त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे ईश्वर, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। इस श्लोक में कितनी खूबसूरती से ईश्वर की महिमा सर्व संबंधों के रूप में की गई है। माता पिता, बंधु और सखा के संबंध है जिस रूप में ईश्वर को याद किया जा सकता है, और साथ ही एक विशेष संबंध है, वो संबंध है गुरु का। इस संसार में लोग गति सदगति के लिए कई गुरु करते हैं, पर ईश्वर यानी एक परमात्मा ही सभी का सर्वोत्तम गुरु है। वो सर्वोच्च सत्ता है जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। हर मनुष्य उससे अपने सर्व संबंध जोड़ सकता है। गुरु के बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। जब एक नवजात शिशु गर्भ में होता है, तभी से उसकी पालना माँ के द्वारा शुरू हो जाती है। माँ को प्रथम गुरु भी कहा जाता है। गुरु का स्थान हमारे जीवन में सर्वोपरि होता है। गुरु की महिमा और धन्यवाद अर्पित करने के लिए ऐसे तो पूरा जीवन ही कम पड़ जाता है। गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। गुरु हमारे जीवन के सभी कठिन परिस्थितियों में हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे माँ का प्रेम विलक्षण होता है, भोजन बच्चा करता है, प्रसन्नता माँ को होती है, उसी तरह सद्गुरु की कृपा भी सबसे विलक्षण होती है। गुरु पूर्णिमा के विशेष दिन पर लोग गुरु के श्री चरणों में नमन करते हैं और गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही पांचों तत्व एक हो जाते हैं। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो पार हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है। गुरु वो सच्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। तो क्यों ना गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर हम सभी उस परम सद्गुरु, परम पिता परमात्मा का धन्यवाद अर्पण करें, इस सुंदर जीवन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, परिवार के लिए, अपने आज के लिए, और सच्ची गुरु पूर्णिमा मनाएं।